नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। स्कूटी खरीदने के लिए अलग से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में जगह बनाने वाले श्रमिक परिवार के बच्चों को 1-1 लाख का चेक का प्रतीक स्वरूप प्रदान किया। छात्रों की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब मुख्यमंत्री ने इन होनहार बच्चों की आगे की पढ़ाई में सुविधा हेतु स्कूटी खरीदने के लिए 1-1 लाख देने की घोषणा करते हुए एक प्रतीक चेक अलग से प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के प्रति बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ, इससे गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए हमारी सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के बच्चे अच्छे अंक लाकर अपने गांव, जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए श्रमिक परिवार के बच्चों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक हेतु संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की कक्षा में टॉप 10 में आने पर श्रमिक के बच्चों को प्रोत्साहन राशि के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 2021 में टॉप 10 में जगह बनाने वाले 10वीं एवं 12वीं के 3 छात्र छात्राएं एवं 2022 में भी 3 छात्र छात्राएं एवं इस वर्ष 2023 में 10 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है।